Hello students, we are again with you and we are continuing with our chapter 5 and we are discussing NCERT textual question answer. There are total 3 parts of these numericals, okay? And in this part we are discussing from question number 9 to question number 16, okay? In the last part we are discussing question number 1 and 2 because these questions are theoretically questions, so we have to discuss them in a separate video. So now let's start students. So, question number 9 is on your screen, students. A circular coil of 16 turns and radius 10 cm. A circular coil है जिसकी turns 16 है और radius 10 cm है. Carrying a current है आपका 0.75 ampere. Rest with its plane normal to an external field of magnitude दे रखा आपका magnetic field का 5.0 into 10 की power minus 2 tesla. Okay, The coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to field. जो coil है आपकी वो freely है एक axis के लिए rotate करने के लिए. तो when the coil is turned slightly and released, जब turn coil को थोड़ा सा मोड़ते हो और छोड़ते हो, ठीक है, तो वो oscillate करने लग जाती है एक stable equilibrium में frequency के साथ. कि अगर oscillate करे तो simple harmonic motion आ जाएगा ना, तो frequency होगी वहाँ पे. अब बताना है कि moment of inertia क्या होगा उस axis of rotation के लिए, ठीक है बेटा. तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन में एक ऐसे आपको सर्कुलर कोयल दी हुई है इस तरीके से, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलोंग वो मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, अगर आप मान लो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उसको थोड़ा सा क्या कराते हो, टर्न करते हो, जैसे कि मान लो ये है और मैं इसको ऐसे टर्न इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे है, फिर मैंने इसको ऐसे टर्न कर दिया इस तरीके से, टर्न किया ना, तो टर्न करोगे ना तो ये ऐसे ऐसे क्या करने लग जाएगी इस तरीके से. ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको फील करना, ये इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी, क्लियर, मतलब ये ऐसे ऐसे. तो बेटा ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो ये कौन से मोशन को फॉलो करेगी, ये आप देखिए, अप डाउन, ये कौन सा मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना, दैट इज एस एच एम, ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे. तो चलिए इसको सोल्व करते हैं. सो एन इज हेयर 16, आर इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.1 मीटर. आई इज 0.75 एम्पियर, बी 5.010 की पावर माइनस 2 टेस्ला, वी 20 सेकेंड, दैट इज द फ्रिक्वेंसी. बेटा ये क्या है आपकी फ्रिक्वेंसी है, आपको ध्यान रखना है. सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, क्लियर. सो एम मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ओके. सो एम इज इक्वल टू एन आई ए, एन आई ए एंड एच पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया बेटे. तो हम यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है. सो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 0.75 इंटू 22/7 एंड आर एच 0.1 into 0.1. चलिए अब इसको सोल्व करते हैं. सो बेटा ये हो जाएगा आपका, देखिए कुछ कट रहा है, आई थिंक कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे टर्म्स को, 0.1 into 0.1 into 22 into this, ठीक है. चलिए इसको सोल्व करते हैं. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का आ जाएगा आपके पास 12 into, इसको करेंगे 0.1 into 0.1 into 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.22, और हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से. तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.22 इंटू 12, ठीक है. देन वी आर गेटिंग 2.64 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा 0.377, ठीक है बेटा. ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट जूल पर टेस्ला. चलिए अब हमें पता है जब भी कोई बॉडी ऑसिलेट करते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2πi/mv. हियर टी इज टाइम पीरियड, 2π, यू नो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. सो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है म्यू क्या होता है, 1/T. तो हमने इसको अपोजिट कर दिया, दैट इज 1/T/1/2π टर्म बी अपॉन आई. अब 1/T की वैल्यू हमें दे रखी है, 1/T को म्यू कह सकते हैं, तो 1/2 mv/i. तो यहाँ से देखिए आप, हमने क्या करा, दोनों तरफ स्केलिंग कर दिया, स्केलिंग बोथ साइड्स,
चलिए तो म्यू स्केयर 1/4 पाई स्केयर एम डी आई, इसका ये हट जाएगा स्केयर रूट। अब देखिए आई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्केयर इंटू एम डी अपॉन म्यू स्केयर, बिकॉज हमें आई निकालना है तो हम आई को इधर ले आएंगे और म्यू स्केयर इधर चला जाएगा। हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। चलिए ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, 0.377 इज द एम, 5.010^-2 इज द बी, 4 यू नो इज गिवन, पाई स्केयर 22/7 22/7, ओके, म्यू स्केयर 2 स्केयर इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए कुछ अगर कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको रहने देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ सोल्व हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बेटे 2 2 जा 4 4 4 जा 16। सो हम ऊपर पहले 3 की पावर्स को देखते हैं, 377 इंटू 5 इंटू इनका हो जाएगा 10^-3 इंटू 10^-2, ठीक है। और ये आपके पास हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 इंटू 22 इंटू 22, 484, ओके। और ये जो 7 है ये आपका चला जाएगा ऊपर। चलिए तो ये आपका देखिए बेटा एक बार, आप 10^-3 इंटू 10^-2 है तो ये आपका हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 7 जा 49, तो 377 इंटू 5 इंटू 49 10^-5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 16 इंटू 484, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बच्चे देखिए, जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा 377 इंटू 5 इंटू 49, देन वी आर गेटिंग 92365, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 2 4 इंटू 16, देन वी आर गेटिंग 7 7 4 इंटू 10^-5, देन आफ्टर डिवाइडिंग दीज टू टर्म्स वी आर गेटिंग 11.9 इंटू 10^-2, 11.9 अप्रोक्सीमेट वी कैन से 12, क्लियर, 10^-5, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट 1.52, बिकॉज एनसीईआरटी में आपका सही आंसर दिया हुआ है 1.2 इंटू 10^-4 किलोग्राम मीटर स्केयर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका में कोई सर्टेन कोई जगह है जहाँ पे कंपास हमारा पॉइंट आउट कर रहा है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ, क्लियर। सो द नॉर्थ टिप, जो उसकी नॉर्थ टिप है मैग्नेटिक नीडल की, वो एक डीप सर्कल के अंदर हम बात कर रहे हैं इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, वो 60% अबव है वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल से। सो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो आपका 0.16 गोस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपका ये है। हमें बताना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड एट लोकेशन, उस जगह पे क्या होगा आपका फील्ड, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए सो हियर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, आपको अगर देखो डेक्लिनेशन एंगल्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है सो इसके लिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार जो हमें थ्योरी में ये अच्छे से किया हुआ है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप एक बार जाइए और प्रीवियस वीडियो में पहले आप ये पढ़िए कि ये सब क्या है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थीटा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज गिवन 120 डिग्री वेस्ट में दे रखा है, एंगल ऑफ टिप 60 डिग्री, क्लियर। सो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमारा है, इसको हम बी एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एच से भी कर देते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, 0.16 दिस इज गोस बेटा, क्लियर। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग टेस्ला दैट इज 0.16 10^-4। सो हमें निकालना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और आर से भी, तो वी नो दैट एच इज इक्वल टू आर कोस डेल, सो आर निकालना है तो एच बाई कोस डेल। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा एंड वी आर गेटिंग कोस 60 डिग्री, क्लियर। सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कोस 60 डिग्री 1/2, यानी कि यू कैन से 0.5। चलिए जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं देन वी आर गेटिंग 0.32 10^-4 टेस्ला। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। एंड जो अर्थ का फील्ड है वो किस में लाइक रहेगा, वर्टिकल प्लेन में, क्लियर। जो अर्थ का फील्ड है द अर्थ फील्ड्स लाई इन वर्टिकल प्लेन, ओके, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ
जियोग्राफिक मेरिडियन, ओके, एट एंगल 60 डिग्री। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा रियली सॉरी। एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्वेश्चन 10 हमने बीच में लेफ्ट कर दिया, तो पहले हम क्वेश्चन 10 को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट, एक मैग्नेटिक नीडल है फ्रीली रोटेट कर रही है एक वर्टिकल प्लेन के अंदर, जो प्लेन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक मेरिडियन के, ओके, एंड हैज इट्स नोट टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.35 गोस। हमें डिटरमाइन करना स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, क्लियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, हियर डेल इज गिवन, डेल इज व्हाट बेटा, ये क्या है आपका एंगल ऑफ डिप, क्या है आपका ये एंगल ऑफ डिप, क्लियर। चलिए एच इज इक्वल टू 0.35 हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमें दे रखा है, आर हमें निकालना, दैट इज हमें निकालना है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आर एच बाई कोस डेल हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैल्यूज को पुट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे ऐसे पुट कर दीजिएगा, एंड दिस इज कोस 22 डिग्री, कोस 22 डिग्री की आपको वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता चलेगी, इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। बच्चे मैंने आपको सिखा रखी है कि हम लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं, तो देखिए हम इसकी वैल्यू लॉग टेबल की हेल्प से यहाँ पे पुट कर दी है। देन आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी आर गेटिंग 0.38 गोस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। सो हियर क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग टू अस, ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेट मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला, क्लियर। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, छोटी सी बार मैग्नेट है, और ये कह रहा है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। देखिए बेटा इसमें है ना दोनों फेसिस की बात कर रखी है, एक्सिस वाले की भी इक्विटोरियल वाले की, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप है ना एक बार ये जरूर देख लीजिएगा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द एक्सिस एंड एट इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, तो हम उसका थ्योरी वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा एक बार। चलिए फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन, सो बेटा दिस इज अवर मैग्नेट, क्लियर, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, तो ये हमारा इक्विटोरियल पॉइंट होता है और ये हमारा एक्सिस होता है, तो एक्सिस पे हमारा बी एक्सिस पे ये लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड और एक बार हमारा इक्विटोरियल पे लाई करेगा, तो सेंटर से हमें दोनों की क्या लेनी है डिस्टेंस लेनी है। तो आपका थ्योरी पार्ट आप वहाँ पे देखिएगा वीडियोज में, प्रीवियस वीडियोज में डन करा रखा हमने। सो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, एम ए 0.48 जूल पर टेस्ला, डी हमें निकालना है, डी डिस्टेंस हमें दे रखी 10 सेंटीमीटर, मीट सेंटीमीटर में है तो हमें पता है वी हैव टू कन्वर्ट इन टू मीटर। सो पहले हम निकालेंगे उसके एक्सिस पे, तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π/2mπ/d³। तो चलो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π क्या होता है 10^-7 (2 × 0.48 अपॉन डी क्यूब, यानी कि 0.1 × 0.1 × 0.1, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बेटा हम इसकी पहले पावर्स को हटाएंगे, 10^-7 है (2 × 48) 10^-2 ये आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 × 10^-3, तो इन वैल्यूज को हम ऊपर लेके जाएंगे, 10^-7 (2+3) 2 × 48, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, ठीक है, -9+3 तो -6 बचेगा आई थिंक, ओके, तो आपका आ जाएगा 10^-6 इंटू ये आपका हो जाएगा 96, क्लियर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहते हैं तो 10^-4 अपॉन आ जाएगा 100, तो इसको आप काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 4×2 = 8, 4×4 = 16, 4×25 हो जाएगा, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी आर गेटिंग 1.2, ठीक है बेटा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.9610^-4 टेस्ला, ठीक है। आप इसको इसकी पावर से भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप ऐसे भी करते हो ये भी आपका
करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। ये मैं सिर्फ इसलिए कहता कि एनसीईआरटी में बच्चे कहते हैं कि हमारे एनसीईआरटी से आंसर्स मैच नहीं होते, सो दैट्स व्हाई आई टेल यू। सो वी आर गोइंग नाउ द पार्ट टू, चलिए इसका पार्ट टू करते हैं बेटा। सो पार्ट टू में किसकी बात कर रहा है, इक्विटोरियल लाइन की बात कर रहा है। तो इक्विटोरियल लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला है, सो बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यू, ठीक है बेटा। तो 10^-7 इंटू एम हमारे पास क्या है बच्चे, 0.48 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। चलिए देखो उसमें यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे इसमें 2 नहीं आएगा। तो हम इसमें हमारी पावर्स का वही हमें अभी करा था, तो पावर्स हम सारी देखिएगा, अभी हमने करा था तो पावर्स का वही आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 48 इंटू 10^-6, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.48 इंटू 10^-4 टेस्ला। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। ए सॉल्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। एक सॉल्ट मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर मतलब अलाइन करा हुआ है। नल पॉइंट है इसके एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड एट 0.5 का जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.36 गोस दे रखा है। एंगल ऑफ डिप हमारा 0 है। वट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस एट द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट, ठीक है। सो एट नल पॉइंट ये दे रखा है फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बेटा इसको करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। सो हियर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन इज देयर। एट नल पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है। देखो नल पॉइंट हमारा कहाँ दे रखा, नल पॉइंट इज गिवन ऑन एक्सिस, ठीक है। सो एक्सिस पे हमें पता अभी हमने करा था मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m/dq। ये हमने अभी बताया था मैंने आपको, एक्सिस पे हो जाएगा 2m/dq। अगर इक्विटोरियल की बात करेंगे तो 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा एच कॉम्पोनेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ये भी कर सकते हैं b1 इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, क्योंकि एक्सिस होता है ना बेटा। देखिए मैंने आपको कराया था अभी, देखिए एक्सिस तो ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और इक्विटोरियल मतलब इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट, क्लियर। चलिए अब इसका हम बात करते हैं इक्विटोरियल लाइन पे। अब हम बात करेंगे एट इक्विटोरियल लाइन, ओके। तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस क्या है हमारी सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फील्ड निकाल लेंगे इक्विटोरियल लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m/dq। और उसके लिए हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या दे रखा है, h/2, क्योंकि देखिए बेटा b2 किसके इक्वल होता है, जो अपना b इक्विटोरियल होता है वो किसके इक्वल होता है, जो b एक्सिस पे है अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो दे आर रिजेंबलिंग, मतलब इक्विटोरियल पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होता है एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड के हाफ से, ठीक है। तो मैंने यही करा है, ये b1 h के इक्वल था तो इसको हम h/2 भी कह सकते हैं, या हम इसको b1/2 भी कह सकते हैं, इनका एक ही मतलब है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन। चलिए तो बी अपना क्या हो जाएगा, b2+h, ठीक है। तो b2 क्या है हमारा, देखिए b2 हमारा क्या है, h/2 है प्लस में एच, ये हमारा b1 क्या, तो b1+b2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो b2+b1, तो h/2+h, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2, हमारा LCM आ जाएगा h+2h, दिस इज 3h/2। एच की वैल्यू हमें गिवन है, सो b हो जाएगा 3/2 इंटू 0.36, तो ये हो जाएगा 0.21 × 2, 2 8 × 60, तो दिस इज 0.54 गोस। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो इफ बार मैग्नेट इन द अबव प्रॉब्लम, जो हमारी अभी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी, अगर उसको 180 डिग्री पे टर्न कर दें तो हमारा जो नल पॉइंट है वो कहाँ होगा।
ठीक है बेटा, चलिए तो करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर हमने अब क्या कर दिया, जो बार मैग्नेट था ना हमारे पास, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, टर्न कर दिया। कितना टर्न कर दिया, 180 डिग्री टर्न कर दिया। सो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो हो तो वहाँ इक्वेटोरियल पे, क्योंकि देखिए यहाँ था आपका न्यूट्रल पॉइंट, आप उसने आपको ये ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया, तो पॉइंट तो वहीं रहेगा एट इक्वेटोरियल लाइन, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो बी टू हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, क्या था हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई डी क्यू इज इक्वल टू एच, ठीक है बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये हमारा बी टू इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब देखिए डिस्टेंस हमारी चेंज हो जाएगी, तो हमें डिस्टेंस को सेपरेट लाना है, ठीक है। और जो पीछे क्वेश्चन में था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13, जो बी वन था हमारा क्या था बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी वन, क्योंकि अब दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो गई है, डिस्टेंस से नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉम वन एंड टू, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन से, अगर ये वाली साइड्स हमारी इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बाई डी क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी वन क्यूब। देखिए बेटा क्या कट जाएगा, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है, और अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई डी क्यूब अपॉन इज इक्वल टू 2 बाई डी वन क्यूब। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमारा, क्योंकि हमें मेनली d2 निकालना है, तो हमारा d2 हो जाएगा d1 क्यूब बाई 2, ठीक है। अब दोनों साइड अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो d2 हमारा हो जाएगा d1 अपॉन 2 का क्या आ जाएगा, 1 बाय 3 हो जाएगा, और d1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 14 दे रखी है, 2 का 1 बाय 3 क्या होता है, ठीक है, 2 का 1 बाय 3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेट मोमेंट 5.25 मैग्नेट मोमेंट दे रखा है, और वो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, अर्थ फील्ड के। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज द रिजल्टेंट फील्ड इंक्लाइन एट 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है वो, जो हमारा रिजल्टेंट आया है। तो आपको बताना है इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर या इस एक्सिस पे, दोनों पे बी फाइंड आउट करना है आपको। और अर्थ का जो फील्ड दे रखा है वो 0.42 गोस दे रखा है, हमें करनी है लेंथ की, जो मैग्नेट की लेंथ है उसको नेगलेक्ट करना है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस इन गोल। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो हियर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो ग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। सो एम हमारे पास क्या है, एम इज गिवन हियर, टू 5.25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल पर टेस्ला, ठीक है, ओके। आर हमें फाइंड आउट करना है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दे रखा है, 0.42 गॉस दे रखा है। सो दिस इज बिकम 0.42 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। चलिए पहले पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, एट पॉइंट पी आपको क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रखा है, पी पॉइंट पे, ठीक है, आर कितना है हमारा, आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और नॉर्मल बाइसेक्टर, तो फील्ड हमें निकालना है, तो इस पॉइंट पे फील्ड हम निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्योंकि क्या है, इक्विटोरियल है, एम बाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए अब रिजल्टेंट जो फील्ड निकलेगा, अगर ये मान लो ये जो हमारा है 45 पे इंक्लाइन कर जाएगा, तो इंक्लाइन कर जाएगा तो इस टाइम पे हमारा जो बी टू है जब वो क्या करेगा, देखिए रिजल्टेंट फिल आर निकालेंगे हम एट 45 डिग्री, 45 पे इंक्लाइन करेगा टू आर्स फिल, ठीक है, 45 पे इंक्लाइन करेगा पी क्यू डैश। चलिए कब करेगा,
ये सिचुएशन कब होगी? तब होगी जब हमारा बी टू बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब ये है मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एम बाई आर क्यू इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 10 की पावर -7 इंटू 5.25 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0.42 10 की पावर -4, ठीक है। और जब हम इसको हम सोल्व करते हैं पूरे को, सो देखिए बेटा इसको हम सोल्व करेंगे अब, तो 10 की पावर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की पावर -9 5.25, ठीक है, आर क्यूब इधर चला उधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 0.42 10 की पावर -4 इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर -9 इंटू 525 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 42 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -4। पहले हमें 10 के पावर्स को सोल्व करना होता है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा आर क्यूब है, तो ये आपका हो जाएगा 525 अपॉन 42 इंटू 10 के पावर, देखिए -11 अपॉन 10 की पावर -6, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये आपके बचेगा 10 की पावर -5, ठीक है। पर हमें इसको भी सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कट करके यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे देन यू आर गेटिंग 0.000125। ये हमारा देखिए आर क्यूब आ रहा है, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट लेने के बाद आपका आर आ जाएगा 0.05 मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पार्ट टू है, उसमें देखिएगा जब ये पी है कहाँ लाई, आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, जब पी लाई ऑन एक्सिस, ठीक है, सच दैट जो ओ पी है हमारा आर हो जाए, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, क्योंकि एक्सिस है तो 2m/r³, ठीक है। अब देखिए जो रिजल्टेंट आर है, रिजल्टेंट आर वो भी वही इंक्लाइन 45 पे हो रहा है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कब होगी, जब हमारा b1 किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू नोट अपॉन 4π 2m/r³, ओके, दिस इज इक्वल टू 0.42 10 की पावर -4। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे ऐसे ही। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज 10 की पावर -7 5.25 10 की पावर -2 r³, सो दिस इज इक्वल टू 0.42 10 की पावर -4। तो मैंने आपको बोला था पहले हम पावर्स की इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज 10 की पावर -9 2 इंटू 5.25 0.42 10 की पावर -4। 10 की पावर -9 है, ये इसका 10 की पावर -2 आ जाएगा, 42 इंटू 10 की पावर -6, ये -6 ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी, देन वी आर गेटिंग ओवरऑल 10 की पावर -5, तो 1050 पर 42 बचेगा नीचे। हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, देन वी आर गेटिंग 1050.42 इंटू 10 के पावर -6, ये आर क्यूब आया है आपका, ठीक है। आर करेंगे तो आ जाएगा 6.3 इंटू 10 के पावर -2, ठीक है बेटा, वो भी सेंटीमीटर में आएगा, ये आपका मीटर में आया है, ये सेंटीमीटर में करोगे तो 6.23 सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच।